बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, खुरूजे दज्जाल से पहले तुर्की के साथ क्या होगा? दज्जाल का खुरूज कहां से होगा और वो इस वक्त कहां है? दज्जाल और तुर्की के बारे में रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको खुरूज दज्जाल के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर अपनी वीडियोज मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अगर हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में दुनिया का मुस्तकबिल जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इंसानियत को किन किन फितनों का सामना करना पड़ेगा। उनके बारे में वाज़े इशारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद हैं। नाज़रीन, उन फितनों में सबसे बड़ा फितना फितना दज्जाल है। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पना मांगने की तलकीन की। नाजरीन, तुर्की आखिरी दौर में एक बार फिर आलम इस्लाम के हाथों से निकल सकता है। दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला तुर्की के हवाले से पेश किया जाता है वो जनाबे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक अहले रूम अमाक और दाबक में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक कयामत नहीं आएगी। अमाक और दाबक मुल्क शाम में वाके हैं। जब मदीना से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रूमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ जो अपने दीन से फिर चुके हैं, तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग करेंगे और उनमें से एक तिहाई हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाएगा और एक तिहाई हिस्सा शहादत पाएगा और एक तिहाई हिस्से को रूमियों के मुकाबले में फतह हासिल हो जाएगी और फिर मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे और फिर कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ होंगे तब शैतान झूठी आवाज बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब वो ये सुनकर वापसी की राह लेंगे तो उसी दौरान दज्जाल का हकीकत में नजूल हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की जमीन में है और वो वहां से खुरूज करेगा, जिसको खुरासान कहा जाता है, जो ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीने में खराबी का पेश खैमा होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह पर होगा। दज्जाल के खुरूज पर मुसलमान उसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब वो नमाज के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगे और फिर खुदा अज़्ज़वजल मुसलमानों की मदद के लिए जनाब हजरत ईसा रूहुल्ला अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम सलामुल्ला अलैहा को उतारेगा और फिर दज्जाल आपको देखकर पानी में नमक की तरह घुलने लगेगा। अगर आप दज्जाल को कत्ल ना भी करें तो वो खौफ से मर जाएगा, मगर आप दज्जाल को कत्ल करके उसका खून अपने नेजे पर लगा हुआ मुसलमानों को दिखाएंगे। नाज़रीन, तुर्क कौम का जिक्र अहादीस में मौजूद है और इनकी कुछ जाहिरी अलामात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, मगर इन रिवायात में तुर्क से मुराद तुर्की मुल्क नहीं है। अलबत्ता तुर्की मुल्क में वाके कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल से मुतालिक अहादीस में तज़किरा मौजूद है। जहां तक तुर्क से मुतालिक अहादीस हैं उनमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम तुर्कों से जंग न कर लो। उनके चेहरे सुर्ख, नाकें चपटी हुई, आंखें छोटी छोटी होंगी और उनके चेहरे
चपटी हुई कमान की मानिंद होंगे। एक और रिवायत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस दिन तक नहीं आएगी जब तक तुम उस कौम से जंग न कर लोगे जिनकी पापोशें बालदार चमड़े की होंगी, और जब तक तुम तुर्कों से जंग न कर लोगे जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें बैठी हुई होंगी, गोया उनके मुंह चमड़े की तय बतय ढाल की तरह होंगे। ये रिवायात बुखारी और मुस्लिम में मौजूद हैं। नाज़रीन, तुर्कों से मुराद वो लोग हैं जिनका सिलसिला नसब याफस बिन नू से चला था। उन लोगों के मूरसे आला का नाम तुर्क था, इससे पूरी तुर्क कौम मुराद है, यानी तुर्की में रहने वाले भी और तुर्की के अलावा भी जो लोग तुर्क हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख्स से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हबशियों को उनके हाल पर छोड़ दो जब तक कि वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखें, और तुर्कों को भी उनके हाल पर छोड़ दो जब तक कि वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखें। नाज़रीन, अब बात करते हैं तुर्की की, यानी शहर कुस्तुनतुनिया की। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, बैतुल मुकद्दस का पूरी तरह आबाद हो जाना मदीना मुनव्वरा की खराबी का बायस होगा, और मदीना मुनव्वरा की खराबी फितने और सबसे बड़ी जंग के वकू पजीर होने का सबब होगा, और इस सबसे बड़ी जंग का वकू पजीर होना कुस्तुनतुनिया के फतह होने का बायस होगा, और कुस्तुनतुनिया का फतह होना दज्जाल के जाहिर होने का सबब और उसकी अलामत होगा। नज़रीन, अहादीस में फतह कुस्तुनतुनिया का यूं जिक्र आया है कि एक मर्तबा किताल के जरिए फतह होगा और एक मर्तबा बगैर किताल के। किताल के जरिए फतह की बिशारत तो सुल्तान मोहम्मद फाते यानी सुल्तान मोहम्मद सानी के वास्ते हासिल हो गई, अलबत्ता बगैर किताल के फतह का वाकया हमारे इल्म के मुताबिक अभी तक पेश नहीं आया, मगर बाज मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये वाकया फितना दज्जाल के वक्त पेश आएगा। दज्जाल के निकलने का वाकया लोगों के ईमान को परखने के लिए होगा और ये मरहला इंतहाई सख्त होगा। नाज़रीन, मुफस्सिरीन के मुताबिक दज्जाल पैदा हो चुका है और एक जजीरा में कैद है, कयामत के करीब जाहिर होगा। दज्जाल कहां है इसको हदीस में मुबम रखा गया है। दज्जाल का जहूर कहां से होगा इस बारे में रिवायात इस तरह है, मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि याती मिन कबल मशरिक, इससे इतना मालूम हुआ है कि दज्जाल जानिब मशरिक से जाहिर होगा, और मुस्लिम शरीफ में हजरत समान रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत में मजीद ये है कि वो हिला नामी जगह जो शाम और इराक के दरमियान है वहां से जाहिर होगा। नाज़रीन, इसके अलावा तिर्मजी शरीफ की एक रिवायत में है कि दज्जाल खुरासान जो जानिब मशरिक में वाक़े है वहां से जाहिर होगा। रहा यह सवाल कि वो कब पैदा हुआ था, इसकी सराहत ना तो अहादीस में मिली और ना ही इसके जानने की जरूरत है। अलबत्ता दज्जाल का फितना इंतहाई खतरनाक होगा, जिससे तमाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है, और दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको फितना दज्जाल से महफूज रखे। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।